ये सारी चीजें तो आपकी थोड़ा बेसिक मैंने लिख दी हैं, जिनको आप याद कर सकते हैं। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप, और वर्ल्ड लेवल में, पूरे विश्व लेवल में हेडविग एंड कवर्स, बस नाम से पता चला शिवराम तो इंडियन ही हो गया ना आग बंद करके। तो अब हम लोग लिखेंगे जो ब्रायो फाइटा ने रहते कहा है, वास स्थान क्या है, देखिएगा नम छायादार स्थानों में, नम छायादार स्थानों पर ये आराम से उगते हैं। जो नम छायादार स्थानों पर उगते हैं, एक शब्द लिख रहा हूं बेटा, इसको आप लिखेंगे इंग्लिश में एस्कियोफाइट्स। जैसे पुदीना, पुदीना कहां होता है, वो भी नम छायादार स्थान, वो भी एस्कियोफाइट प्लांट है। कोई चीज एकदम पानी मुक्ता है, कोई परपोषी होता है, कोई शोकपोषी, ये छायादार होती है, कुछ एस्कियोफाइट। सैप्रोफाइट सुना, सैप्रोफाइट मतलब मृतपोषी, किसी सड़े गले पदार्थ में उगते हैं, ऐसे एस्कियोफाइट ये नम स्थानों, नम स्थान में उगने वाले प्लांट को क्या बोलेंगे आप, एस्कियोफाइट। ब्रायोफाइट को आखिरी पॉइंट में पांच फ्रेम मिटा के लिखेंगे दोबारा से, ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर। जैसे मेंढक, मेंढक कैसा आपका उभयचर, कहां रहता है, पानी में या कहां, तो आप लिखेंगे जल स्थल चर पादप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उगते स्थल पर है, उगते कहां पर है, जमीन पर जन्म पर मतलब, लेकिन जन्म जल के माध्यम से करते हैं, जल में या जल के, तो जल लिखा है आप इसे पढ़ लोगे ना, जल के माध्यम से करते हैं, जल के माध्यम से करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर या जल स्थल पादप कहते हैं। आखिरी पॉइंट जो आप लिखे, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका, अनुक्रमण का मतलब होता बदलाव, पत्थर से मिट्टी का बदलना, जैसे कि जहाँ पत्थर होते हैं ना, वहाँ पर वो पत्थर ही मिट्टी बदल जाती है, फिर वहाँ पर जंगल उगते हैं। जैसे कि आप देखते हैं किसी एरिया में बहुत पहाड़ है, फिर उसमें बहुत साल बाद जंगल उगाता है, तो उस पत्थर के पहाड़ में जंगल आया क्यों, कैसे, उसका मेन रीजन है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता, यानी कि रॉक, रॉक मतलब चट्टानों में, फिर चट्टान भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, क्लियर ना। चलिए आगे लिखते हैं, दुनिया में सबसे पहले आए एल्गे, एल्गे के बाद आ रहे हैं ब्रायोफाइट, यानी कि जो ब्रायोफाइट है वो मोर डिफ्रेंशिएट है कंपेयर टू एल्गे। डिफ्रेंशिएट मतलब ज्यादा एडवांस है किनसे, एल्गे से, इन थोड़ा सा इनमें विकास हुआ, कैसे देखिएगा, इसमें लिखेंगे आप पादप एल्गी ब्रायोफाइट में, मतलब एक बार है तो पादप ही है, मैं ब्रायोफाइट से लिखूंगा, ब्रायोफाइटा शैवान से अधिक डिफरेंशिएट है, यानी कि विभेदित है, विभेदित या डिफरेंशिएट है। एल्गी क्या था, एकदम जब पत्थर में चिपके होते हैं, पैर रखो सिर्फ पत्थर में चिपके होते हैं, ये थोड़े से जमीन को छोड़ के ऊपर होने लगे थे, फिर धीरे धीरे टेरोफाइट और जिम्नो और ऊपर एनजीओ और ऊपर हो गए, तो विभेदित होते हैं। इनका पादप शरीर यानी प्लांट बॉडी थैलस टाइप होता है, थैलस टाइप ही होता है, और थैलस किसने लिखा, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, थैलस तथा
एंड हिंदी मीडियम ने क्या लिखा इसको, लिप प्रोस्ट्रेट को श्याम तथा शिखा। मैं समझाऊंगा श्याम का मतलब क्या है, शिखा का मतलब क्या है। आप बुक में देख रहे हैं मार्किंग है जिसके मैंने फ्लावर होता है एक चपटा सा लग रहा पत्ती की तरह और दूसरा उसके नीचे सीधा खड़ा सा दिख रहा है, जो जमीन में चिपके हुए होते हैं उन्हें कहते हैं श्यान, श्यान निंद्रा। लेट के सोते हो ना, ये लेटे हुए और सीधा खड़े हो गए, इरेक्ट प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट प्रकार के होते हैं। इनमें भी वास्तविक, जैसे एलगी में पढ़े थे, इनमें भी वास्तविक जड़ तना एवं पत्ती एवं पत्ती नहीं पाई जाती। बड़ी तीर लिख दी मैंने, छोटी तीर लिख दी, समझ लोगे ना, बड़ी तीर मैंने हो गया बता देता हूं, नहीं पाई जाती वास्तविक नहीं मिलेगी लेकिन पत्ती की तरह तने की तरह ऐसे मिल जाएगा। मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर किसका पादप शरीर, ब्रायोफाइटा का हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब आगुणित या गुणित, एलटी एन होता है। मुख्य पादप शरीर ऐसा होता है, लिख लिया ना, उसी को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया युग्मक। आगे लिखेंगे ब्रायोफाइट, में सेक्सुअल ऑर्गन मतलब लैंगिक जनन है ना, नहीं सेक्सुअल ऑर्गन मतलब लैंगिक अंग। मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब बहुकोशिकी को मल्टी सेलुलर पता है ना बेटा, कहते हैं सॉरी बोलते हैं। नर को क्या बोलते हैं, मादा को क्या बोलते हैं, वो लिख लेते हैं। आप लिखेंगे नीचे लाइन से, नर अंग, नर जनन अंग, नर जनन अंग क्या कहलाएगा बेटा, कुंधानी, जिससे पुंकेसर उत्सर्जित निकलते हैं। कुंधानी से पुंकेसर निकलेंगे ना, या उमंग पोलन ग्रेन, जिससे पोलन ग्रेन को उमंग लिखा हूं, उत्सर्जित होते हैं उमंग। मैं ब्रेकेट लिख दूं थोड़ा सा, दुई कसाभिक मतलब बाई फ्लैजिलेट, दो दो फ्लैजिला, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लैजिला को चल सकता है ना, उमंग दुई के साथ उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित पता नहीं सही गलत है, देखा था उत्सर्जित सही है, अगर तुम लोग ना मुझे लगता सब गलत हो जाएगा। एक और मादा जनन अंग को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर, स्त्री धानी, इनका अंग्रेजी नाम आर्चिगोनियम, इसका एंथ्रोगोनियम एंशाइटिया, जो ये कैसी होती है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लास्क मतलब कैसे, यहां देख रहा ऐसी स्ट्रक्चर होती है खुली हुई ऐसे, और जो मेल होता है वो ऐसे होता है जैसे कि गुंबदकार या गदाकार ऐसे, ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल, यहां से निकलेंगे उमंग, उनमें दो दो फ्लैजिला होंगे, वो आएगा इधर आके अंदर चला जाए, इसमें एक बनेगा
अंडाणु या एग, ये नर नर से आएंगे, इसमें जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे इसके, इसकी स्ट्रक्चर कैसे फ्लास्क के जैसे, खुला हुआ मुंह है ना, ओपन माउथ, इसके अंदर ऐसे घुस जाएगा और इसको कर देगा जाइगोट बनना देगा, समझ गए ना। चलिए स्तनधारी जो एक अंडाणु रखती है, कितने बनते इसके अंदर, एक अंडाणु रखती है बस। आज के लिए नहीं, बाकी इसको अगली क्लास में बताऊंगा।